नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा रहा आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम? आई होप काफी अच्छा रहा होगा। तो आज 26 नंबर को आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर ओवर हो गया है। आपने कितने अटेम्प्ट किए, सेक्शनल अटेम्प्ट या ओवरऑल अटेम्प्ट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज फाइनली काफी लोग चिल कर रहे होंगे। जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा वो तो खुश होंगे, और जिनका थोड़ा खराब गया होगा वो मायूस होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ कम रहेगा पिछले साल कंपैरिजन में। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकती है मेंस की, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। तो ये आज का वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड है। तो अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 250-300 लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको गाइड करता रहता हूँ और आपस में डिस्कशन भी चलती है। बहुत धुरंधर धुरंधर लोग हैं, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क, आईबीपी, एसबीआई पीओ, ये सब एग्जाम्स बचे हुए हैं, तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए बात करते हैं पेपर लेवल का। तो क्वांट का लेवल आज काफी टफ था, ठीक है। हर साल आईयूपीएस ऐसा ही करता है, कोई एक पेपर को इतना हाई लेवल कर देता है कि लोगों को कभी परेशानी होती है और मायूस, वो चाहते हैं कि आप मायूस हो जाए। अगर आप में गट्स नहीं है तो आप वहीं पे फेल हो जाए, वो ऐसा चाहते हैं, उनका मेंटेलिटी ऐसा रहता है। जैसे पिछले साल जीए का पेपर उन्होंने काफी ज्यादा टफ कर दिया था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब 5-10 मार्क्स का बनाने में भी काफी प्रॉब्लम हो रहा था। उसी तरह से उन्होंने इस बार क्वांट का पेपर को काफी टफ कर दिया है। मतलब लोगों के अटेम्प्ट में बात करूं क्वांट में तो काफी कम कम हुए हैं, 5-10 ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं, उससे भी कम हुआ है। मतलब काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि मेरा तो 6 ही अटेम्प्ट हुआ, 3-4 अटेम्प्ट हुआ, इस तरह का क्वांट आपको पूछा गया था। तो चलिए एक बार पेपर को कंपेयर करके मैं दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पेपर का कंपैरिजन किया है मैंने, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पिछले साल अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो पिछले साल क्वांट मॉडरेट टू टफ था। मैंने खुद पिछले साल एग्जाम दिया था मेंस का, वो अलग बात है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और इस बार चूंकि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ तो ज्यादा समय मिलता नहीं है तैयारी करने के लिए, तो प्री भी मेरे से नहीं हुआ, 1.25 से रह गया। लेकिन जिन्होंने भी एग्जाम दिया था मैंने उनसे पर्सनली बात किया था, तो उनके हिसाब से मैंने पेपर को एनालाइज किया है, ठीक है, और कट ऑफ को भी। तो पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो क्वांट का लेवल मॉडरेट टू टफ साइड में था। एक दो डीआई ऐसे थे जो बनने लायक थे, मतलब इजी मेंस के लेवल से, आईपीएस पीओ मेंस के लेवल से इजी साइड पे थे पिछले साल की बात करूँ। लेकिन इस बार काफी टफ पूछा गया, लोगों के अटेम्प्ट बहुत कम थे। देखिए कुछ कुछ लोग होंगे, 2-4 की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक दो को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने क्वांट में बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, 2018 अटेम्प्ट किया है, तो उन एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सेलेंट होते हैं। काफी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है और वो हमेशा टॉपर रहा है, तो इसलिए अगर कोई आपको बोल रहा है एक दो जन की क्वांट में मेरे 20+ अटेम्प्ट है, तो ये पॉसिबल, आप ये मत समझना कि वो हवा में बात कर रहा है। मैं पर्सनली खुद एक दो को जानता हूँ जिसने क्वांट में 20+ अटेम्प्ट किया, 20+ मार्क्स के, तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। एवरेज अगर बात करूं तो लगभग 7, 8, 9, 10 तक लोगों ने अटेम्प्ट किया क्वांट में। तो इस बार का क्वांट पिछले साल कंपैरिजन में टफर साइड में था। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग पिछले साल भी मॉडरेट था, इस बार भी मॉडरेट है, 20 मार्क्स तक लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, 16 to 20 मार्क्स तक। अगर बात करूं जीए की, तो जीए पिछले बार बहुत ज्यादा टफ था, मतलब मैंने खुद, मेरे सिर्फ 6.75 मार्क्स आए थे आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में पिछले साल, जबकि आईपीएस क्लर्क में 22 मार्क्स आया था। तो जीए बहुत टफ था पिछले बार, लेकिन इस बार जीए का सेक्शन ठीक ठाक पूछा गया, लोगों ने 15, 18, 20, 25, 28, 30 तक भी अटेम्प्ट लोगों ने किया है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी उन्होंने जीए में अच्छा अटेम्प्ट किया है। बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश पिछले साल थोड़ा सा टफर साइड में था, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा था कि लोग 20-25 में प्रॉब्लम हो रही थी करने में पिछले साल की बात करूँ। लेकिन इस बार इंग्लिश थोड़ा इजियर साइड में था पिछले साल के कंपैरिजन में बात करूँ तो, मॉडरेट साइड में मैंने रखा है इस बार इंग्लिश को, क्योंकि लोगों ने 25, 30, 30, हालांकि ये अलग बात है कि इंग्लिश में अटेम्प्ट और मार्क्स दोनों डिफर करते हैं, लेकिन फिर भी पिछले साल अटेम्प्ट थोड़े कम थे, इस बार इंग्लिश के अटेम्प्ट थोड़े बड़े हैं। तो ये हो गया पेपर का कंपैरिजन। अब मैं बात करता हूँ कितने फॉर्म फिलअप हुए। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पिछले साल यानी कि 2021 में जो टोटल एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 7 लाख से ज्यादा थे, 7 लाख से ज्यादा, ठीक है, 7, 7.5 लाख के अराउंड। और इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो 8 लाख से ज्यादा है, यानी कि 8 से 8.5 लाख के करीब, यानी कि पिछले साल से 1 लाख ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे जो वैकेंसी थी पिछले साल वो लगभग 5,500 थी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इस बार जो वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो मैंने लिखा है वो 10,000, क्योंकि 8,400 तो अभी है और भी बढ़ने के चांसेस है, तो 9 से 10,000 वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने पेपर को कंपेयर करके आपको दिखा दिया टोटल एप्लीकेशन कितने थे और कितने वैकेंसी थी पिछले बार, इस बार कितनी हो सकती है, ये दिखा दिया। अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पिछले साल मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो 80.75 गई थी जनरल की बात करूँ तो, और इस बार अकॉर्डिंग टू मी 68 to 72 कट ऑफ जा सकती है। यस, 10 मार्क्स कट ऑफ घट सकता है, इसका कारण है वैकेंसी। वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। तो अगर आपका अटेम्प्ट कम भी है तो आप मतलब मायूस मत होना, आप रेस में हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। मैंने प्रीलिम्स आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी कट ऑफ को एनालाइज किया था, तो उसमें जो मैंने मैक्सिमम जो एक्सपेक्ट किया था 49.5, लेकिन कट ऑफ जो है वो 0.25 ज्यादा चला गया था, 49.75 चला गया था, और मेरे मार्क्स 49.5 आए थे। तो जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मार्क्स मेरे आए, लेकिन 0.25 ज्यादा कट ऑफ चला गया, तो क्लोज था मैं। तो इस बार भी आई होप कि कट ऑफ का रेंज यही रहेगा, हालांकि एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल कट ऑफ तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोई नहीं। ये सारा मतलब रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछना,
और कितने अटेम्प्ट आपने किए हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, जो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अटेम्प्ट कितने हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।